महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक हिंदू मंदिर है जो शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिन्हें शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है। यह मंदिर पवित्र शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। माना जाता है कि लिंग के रूप में पीठासीन देवता शिव स्वयंभू हैं, जो अन्य छवियों और लिंगों के विपरीत अपने भीतर से शक्ति की धाराएं निकालते हैं, जिन्हें अनुष्ठान पूर्वक स्थापित किया जाता है और मंत्र शक्ति के साथ निवेशित किया जाता है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, दूसरा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से लगभग 140 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिणामूर्ति के रूप में जानी जाती है, जिसका अर्थ है कि इसका मुख दक्षिण की ओर है। यह एक अनूठी विशेषता है जो तांत्रिक शिव नेत्र परंपरा द्वारा समर्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकालेश्वर में पाई जाती है। ओंकारेश्वर महादेव की मूर्ति महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय की प्रतिमाएं स्थापित हैं। दक्षिण में शिव के वाहन नंदी की प्रतिमा है। तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति केवल नागपंचमी के दिन दर्शन के लिए खुली रहती है। मंदिर में 5 स्तर हैं, जिनमें से एक भूमिगत है। यह मंदिर एक झील के पास विशाल दीवारों से घिरे एक विशाल प्रांगण में स्थित है। शिखर या शिखर को मूर्तिकला से सजाया गया है। पीतल के दीपक भूमिगत गर्भगृह के रास्ते को रोशन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अन्य सभी मंदिरों के विपरीत यहां देवता को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद दोबारा चढ़ाया जा सकता है। समय के देवता शिव अपने पूरे वैभव के साथ उज्जैन शहर में शाश्वत रूप से शासन करते हैं। महाकालेश्वर का मंदिर, इसका आकाश की ओर उठा शिखर, क्षितिज के सामने एक भव्य अग्रभाग अपनी महिमा के साथ आदिम विस्मय और श्रद्धा को जागृत करता है। आधुनिक व्यस्तताओं की व्यस्त दिनचर्या के बीच भी महाकाल शहर और इसके लोगों के जीवन पर हावी है और प्राचीन हिंदू परंपराओं के साथ एक अटूट संबंध प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात भर पूजा चलती रहती है। मंदिर में राम मंदिर के पीछे पालकी द्वार के पीछे पार्वती का एक मंदिर है, जिसे अवंतिका देवी उज्जैन शहर की देवी के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर 18 महाशक्ति पीठों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित है। शक्तिपीठ ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में माना जाता है कि जब सती देवी की लाश को शिव ले गए थे तो उनके शरीर के अंग गिरने के कारण शक्ति की उपस्थिति स्थापित हो गई थी। 51 शक्तिपीठों में से प्रत्येक में शक्ति और कालभैरव के मंदिर हैं। कहा जाता है कि सती देवी का ऊपरी होंठ यही गिरा था और इस शक्ति को महाकाली कहा जाता है। पुराणों के अनुसार उज्जैन शहर को अवंतिका कहा जाता था और यह अपनी सुंदरता और भक्ति केंद्र के रूप में अपनी स्थिति के लिए प्रसिद्ध था। यह उन प्राथमिक शहरों में से एक था जहां छात्र पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने जाते थे। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रसेन नामक उज्जैन का एक शासक था, जो शिव का एक पवित्र भक्त था और हर समय उनकी पूजा करता था। एक दिन श्रीखर नाम का एक किसान लड़का महल के मैदान में घूम रहा था और उसने राजा को शिव का नाम जपते हुए सुना और उसके साथ प्रार्थना करने के लिए मंदिर में चला गया। हालांकि गार्डों ने उसे बलपूर्वक हटा दिया और क्षिप्रा नदी के पास शहर के बाहरी इलाके में भेज दिया। उज्जैन के प्रतिद्वंद्वियों, मुख्य रूप से राजा रिपुदमन और पड़ोसी राज्यों के राजा सिन्हादित्य ने इसी समय के आसपास राज्य पर हमला करने और उसके खजाने पर कब्जा करने का फैसला किया। ये सुनकर श्रीखर ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और यह खबर वृद्धि नामक पुजारी तक फैल गई। ये सुनकर वह हैरान रह गया और अपने बेटों की तत्काल अपील पर क्षिप्रा नदी पर शिव से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। राजाओं ने आक्रमण करना चुना और सफल रहे। शक्तिशाली राक्षस दूषण की मदद से, जिसे ब्रह्मा द्वारा अदृश्य होने का आशीर्वाद प्राप्त था, उन्होंने शहर को लूट लिया और सभी शिव भक्तों पर हमला किया। अपने असहाय भक्तों की प्रार्थना सुनकर शिव अपने महाकाल रूप में प्रकट हुए और राजा चंद्रसेन के दुश्मनों को नष्ट कर दिया।
अपने भक्तों श्रीखर और वृद्धि के अनुरोध पर शिव शहर में निवास करने और राज्य के मुख्य देवता बनने और अपने दुश्मनों के खिलाफ इसकी देखभाल करने और अपने सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए सहमत हुए। उस दिन से शिव अपने प्रकाश रूप में महाकाल के रूप में एक लिंगम में रहने लगे, जो शिव और उनकी पत्नी पार्वती की शक्तियों से स्वयं बना था। शिव ने अपने भक्तों को आशीर्वाद भी दिया और घोषणा की कि जो लोग इस रूप में उनकी पूजा करेंगे वे मृत्यु और बीमारियों के भय से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही उन्हें सांसारिक खजाना भी दिया जाएगा और वे स्वयं शिव के संरक्षण में रहेंगे। भर्तृहरि राजा गंधर्व सेन के बड़े पुत्र थे और उन्होंने दिव्य देवता इंद्र और धारा के राजा से उज्जैन का राज्य प्राप्त किया था। जब भर्तृहरि उज्जैनी आधुनिक उज्जैन के राजा थे तो उनके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसे वर्षों की तपस्या के बाद कल्पवृक्ष के दिव्य वृक्ष से अमरता का फल दिया गया था। ब्राह्मण ने इसे अपने राजा राजा भर्तृहरि को प्रस्तुत किया, जिन्होंने बदले में इसे अपनी प्रेमिका सुंदर पिंगला रानी या आनंद सेना राजा भर्तृहरि की आखिरी और सबसे छोटी पत्नी को दे दिया। रानी ने राज्य के प्रमुख पुलिस अधिकारी महिपाल से प्रेम करते हुए उसे फल भेंट किया, जिसने इसे अपनी प्रिय लाखा जो नौकरानियों में से एक थी को दे दिया। अंततः लाखा ने राजा के प्रेम में पढ़कर वह फल राजा को वापस दे दिया। चक्र पूरा करने के बाद फल ने राजा को बेवफाई के नकारात्मक पक्ष बताए। उसने रानी को बुलाया और उसका सिर काटने का आदेश दिया और फल खुद खा लिया। उसके बाद उन्होंने सिंहासन त्याग दिया और एक धार्मिक भिक्षुक बन गए। बाद में वह पट्टिनाथर के शिष्य बन गए, जिन्होंने सबसे पहले राजा भर्तृहरि के साथ संसारी और सन्यासी के बारे में बहस की। बाद में बातचीत के दौरान पट्टिनाथर ने कहा कि सभी महिलाओं में दोहरी सोच होती है और परमेश्वरी के साथ भी ये सच मामला हो सकता है। राजा ने ये समाचार रानी पिंगला को सुनाया और उन्होंने पट्टिनाथर को दंडित करने और कालू मरम में बैठने का आदेश दिया। जिस व्यक्ति को दंडित किया जाता है उसे कालू मरम में बैठने का आदेश दिया जाता है। उन्होंने पट्टिनाथर को मारने की कोशिश की, लेकिन कालू मरम जलने लगा और पट्टिनाथर को कुछ नहीं हुआ। राजा को खबर मिली और वह सीधे पट्टिनाथर के पास गए और उन्हें अगले दिन मरने के लिए तैयार रहने के लिए कहा, लेकिन पट्टिनाथर ने उत्तर दिया, मैं अभी तैयार हूँ मरने के लिए। अगले दिन राजा अपनी आंखों में आंसू लेकर आए और संत को जेल से रिहा कर दिया, क्योंकि उन्होंने उस रात वास्तव में रानी पिंगला को घुड़सवारों से प्यार करते हुए देखा था। उन्होंने अपना साम्राज्य धन यहाँ तक कि पूरी कोट की पोशाक भी त्याग दी और एक साधारण कोवनम लंगोटी पहन ली। राजा पट्टिनाथर के शिष्य बन गए और उन्हें आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्तेश्वर मंदिर में मोक्ष मिला, जिसमें वायु लिंगम है जो शिव के पंचभूत स्थलम का एक हिस्सा है। उस समय के महान संस्कृत कवि कालिदास, जो संभवतः राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, ने मेघदूत में अपनी रचनाओं में मंदिर के अनुष्ठानों के बारे में उल्लेख किया है। उन्होंने नाद आराधना, शाम की रस्मों के दौरान कला और नृत्य के प्रदर्शन का उल्लेख किया है। 1234 से 1235 में इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण के दौरान मंदिर परिसर को नष्ट कर दिया था। ज्योतिर्लिंग को खंडित कर दिया गया था और माना जाता है कि आक्रमण के दौरान चुराए गए जलाधारी लिंगम का समर्थन करने वाली एक संरचना के साथ इसे पास के कोतीर्थकुंड मंदिर के पास एक तालाब में फेंक दिया गया था। बाद में मराठा दीवान रामचंद्र मल्हार द्वारा इसका पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार किया गया। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद महाकालेश्वर देवस्थान ट्रस्ट का स्थान उज्जैन नगर निगम ने ले लिया। आजकल यह उज्जैन जिले के कलेक्टर कार्यालय के अधीन है।